प्रखंड क्षेत्र के चट्टी बरियातू में खुल रहे कोल परियोजना को लेकर सर्वे का काम किया जा रहा था, जिसे युवा श्रमिक संघ के द्वारा सर्वे की कार्य को रोका गया। युवा श्रमिक संघ के अध्यक्ष पवन माली का कहना है कि कोल माइन से जुड़े कोई भी कार्य बिना त्रिपक्षीय वार्ता के बिना नहीं होगा। जब तक चट्टी बरियातू, जोरदाग और पगर तीनों गांव के बीच वार्ता नहीं होती, तब तक युवा श्रमिक संघ कोई कार्य नहीं होने देगी। कंपनी बिचौलिया तत्व के लोगों से विश्वास में लेकर ही कंपनी कार्य करेगी। वहीं संघ के सचिव मोहम्मद मुर्शीद ने कहा कि एनटीपीसी के अधिकारियों से त्रिपक्षीय वार्ता की संघ की मांग की तो कंपनी त्रिपक्षीय वार्ता की बात सुनकर ही मुकर जाती है। सचिव युवा श्रमिक संघ चट्टी बरियातू, आज जो एनटीपीसी द्वारा काम कराया जा रहा था और एनटीपीसी के अधिकारियों से बात करने के बाद आपको क्या बातों से मतलब स्पष्ट हुआ? आज युवा श्रमिक संघ ने सबसे पहले एनटीपीसी के टेरिटरी के द्वारा कराए जा रहे सर्वे का काम को रोका तथा उन्हें खदेड़ने का काम किया, जिसके बाद उन्होंने त्रिपक्षीय वार्ता से संबंधित बात कही। जब हमने त्रिपक्षीय वार्ता की बात कही तो वो उस बात से हट गए।